अगर आप एक नया ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आप टेंडा AC5 को कंसीडर कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस राउटर को अनबॉक्स करेंगे और हम देखेंगे इसकी UI कैसी है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है टेंडा AC5 का बॉक्स और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं और साइड में यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन है। आप इनको पॉज करके देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ है और इसके बैक साइड में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है और यहाँ पर इन्होंने राउटर्स का कंपैरिजन किया है, कौन सा राउटर आपको लेना चाहिए। और ये मेड इन चाइना है और इसकी MRP 3500 है। हालांकि काफी कम प्राइस पे आपको Amazon पे मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा है और इसका रीज़न है इसके एंटीनास। आप देख सकते हैं इसके एंटीनास काफ़ी बड़े हैं। और यहाँ पर सबसे पहले निकलती है इंस्टॉलेशन गाइड। राउटर का लुक काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर कुछ अजीब सा टेक्सचर है और यहाँ पर सामने LEDs दी हुई हैं। और इसके बैक साइड में यहाँ पर पावर बटन है, यहाँ पर WPS बटन है और यहाँ पर वाईफाई ऑन ऑफ बटन है, तो आप इस स्विच से इसका वाईफाई ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वैन पोर्ट है और 3 लैन पोर्ट है और इसके बैक साइड में यहाँ पर वॉल माउंट का ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पर निकलता है एक अडेप्टर और इस अडेप्टर की रेटिंग 9V 1A है। और इसके बाद यहाँ पर निकलती है एक लैन केबल। तो हमने राउटर को ऑन कर लिया है और अब अपने लैपटॉप को राउटर के साथ वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन है, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं आता। और इसके बाद हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे और हम इसका होम पेज ओपन करेंगे 192.168.0.1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज आ गया है और यहाँ पर सबसे पहले है इंटरनेट स्टेटस और यहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं चल रहा क्योंकि हमने अभी इसको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं किया है। और इसके बाद है इंटरनेट सेटिंग्स, तो यहाँ पर हमने अभी कोई भी सेटिंग नहीं की है। और इसके बाद है वाईफाई सेटिंग्स, तो यहाँ पर वाईफाई नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर वाईफाई शेड्यूल का ऑप्शन है, आप इसमें वाईफाई को शेड्यूल कर सकते हैं। और इसके बाद है वायरलेस रिपीटिंग का ऑप्शन, तो इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इस राउटर के अंदर बिना WDS ब्रिजिंग के आप इसको एज ए वाईफाई रिपीटर यूज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका वाईफाई रिपीटिंग कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें अपना अपस्ट्रीम राउटर सेलेक्ट करना है और इसका पासवर्ड डालना है और इसके बाद राउटर रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद ये जो वायरलेस रिपीटर वर्क करने लगेगा। राउटर रिबूट होने की वजह से लैपटॉप ने दूसरे वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लिया था। चलिए हम वापस से टेंडा से कनेक्ट करते हैं और हम इसका होम पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ पर एरर आ गई है, चलिए हम वापस से IP डालते हैं और यहाँ पर हमारे एंटीवायरस ने कुछ वार्निंग दी है, चलिए हम इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमारा TP-Link Archer A6 ओपन हो गया है। अब कनेक्टेड है हम टेंडा से और ओपन हुआ है हमारा Archer A6। क्योंकि हमने अपने टेंडा को एज ए वाईफाई रिपीटर कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उसका जो होम पेज है वो चेंज हो गया होगा और 192.168.0.1 जो है ये हमारे Archer A6 का होम पेज था, वो ओपन हो गया है। चलिए हम टेंडा का भी होम पेज ओपन कर लेते हैं और इसके लिए हम tendawifi.com ओपन करेंगे। टेंडा AC5 का होम पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सेस है और वो एक अपस्ट्रीम राउटर के थ्रू है। चलिए हम चलते हैं इंटरनेट सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोई भी सेटिंग नहीं की है। चलिए हम चलते हैं वाईफाई सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस रिपीटिंग कनेक्टेड है। तो यहाँ पर चैनल एंड बैंडविड्थ के ऑप्शन है और यहाँ से आप बीम फॉर्मिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको AP मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इस ऑप्शन से ये इंटरफेरेंस को कम करता है। और इसके अंदर पैरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन आता है
और यहाँ पर हमें तीन तरह के VPN मिलते हैं और एडवांस सेटिंग्स के अंदर काफी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले है बैंडविड्थ कंट्रोल, आप किसी भी डिवाइस की बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद है टेंडा ऐप। चलिए हम चलते हैं अपने स्मार्टफोन में और हम टेंडा ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने गूगल प्ले स्टोर ओपन किया है और हमने टेंडा वाईफाई को सर्च किया है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपने राउटर को WISP मोड में कनेक्ट किया हुआ है और इस मोड में ऐप वर्क नहीं करती। मे बी फ्यूचर में वर्क करने लगे लेकिन अभी तक वर्क नहीं करती। और इसके बाद यहाँ पर LED कंट्रोल का ऑप्शन है, मैक एड्रेस को फिल्टर करने का ऑप्शन है, फायरवॉल का ऑप्शन है, स्टैटिक रूट का ऑप्शन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस रिपीटिंग फंक्शन की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर रूट हो रखे हैं। और यहाँ पर DMZ होस्ट का भी ऑप्शन है। DMZ होता है डीमिलिटराइज्ड जोन, इसमें बेसिकली आपके सारे पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर UPnP का भी ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर लैन सेटिंग का ऑप्शन है और आप देख सकते हैं हमारी IP पहले 192.168.0.1 थी और अब ये 1.1 हो गई है और इसकी IP रेंज भी डिफाइंड है 100 से लेकर 200 तक। और यहाँ पर DHCP रिजर्वेशन है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक मेंटेनेंस का भी ऑप्शन है, इसमें राउटर एक फिक्स टाइम पर अपने आप रिबूट होगा अगर वो यूज में नहीं होगा तब। और यहाँ पर सिस्टम स्टेटस का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैंने इसको 50 Mbps के इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट किया हुआ है और इसको एज ए वायरलेस रिपीटर कन्फिगर कर रखा है। चलिए हम देखते हैं हमें कितनी स्पीड मिलती है। और आप देख सकते हैं हम टेंडा राउटर से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर हमें 47 Mbps डाउनलोड और 59 Mbps अपलोड मिली है। चलिए हम 2.4 GHz में कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं अब हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो 2.4 GHz में स्पीड कम हो गई है, डाउनलोड में मिली है हमें 33 Mbps और अपलोड में मिली है 58 Mbps। चलिए अब हम अपने अपस्ट्रीम राउटर से कनेक्ट होते हैं जिसमें वैन पोर्ट कनेक्टेड है और यहाँ पर भी हमें वही स्पीड मिल रही है जो कि हमें टेंडा से मिल रही है। तो इस राउटर का जो वायरलेस रिपीटिंग फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और अगर आपके मेन राउटर के अंदर WDS ब्रिजिंग का ऑप्शन नहीं है और आप एक सेकेंडरी रिपीटर चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका रिपीटर फंक्शन डिसेबल कर देते हैं और इसको हम वैन पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं रिपीटिंग डिसेबल है और अब हमारी टेंडा ऐप वर्क करनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं फोन के अंदर और यहाँ पर है स्टोरेज का ऑप्शन, इसमें स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर इसकी इंटरनेट इन्फो है। और यहाँ से हम LED कंट्रोल कर सकते हैं और इस ऐप के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन है और ये एसोलेट वाईफाई का ऑप्शन है और यहाँ पर एक सिस्टम अपडेट भी अवेलेबल है। चलिए हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर कोई नया फीचर नहीं है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं लेकिन इसके अंदर TP लिंक की तरह वॉइस असिस्टेंट का फीचर नहीं है। तो दोस्तों ये राउटर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।